शेगांव यह ब्रह्मांड नायक संत श्री गजानन महाराज की भूमि है और वर्ष भर बड़ी संख्या में भक्तगण संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं। और आज मावली का प्रगट दिन है। प्रगट दिन के अवसर पर भक्तों का जनसैलाब यहां पर उमड़ा। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। आज विदर्भ की पंडरी कहे जाने वाले शेगांव में ब्रह्मांड नायक संत श्री गजानन महाराज का प्रगट दिन मनाया जा रहा है। माघ के सप्तमी में शेगांव में श्री गजानन महाराज प्रकट हुए थे और अंग्रेजी दिनदर्शिका के अनुसार 23 फरवरी 1878 में वो प्रकट हुए थे। इस 145वें प्रकट दिन के उत्सव में आज शेगांव में भक्तगणों का तांता लगा हुआ है। श्री गजानन महाराज ने 1910 में समाधि ली थी, मगर भक्तों का आज भी यह मानना है कि वह शेगांव में अभी भी हैं और भक्तगणों की यह धारा उन्हें शेगांव तक खींच लाती है। आज के दिन राज्य के हर एक कोने से 1100 भजन करने वाले दिंडी शामिल हुई है। साथ ही ये मंदिर परिसर भक्ति के रस में ऐसा भीग गया है कि चारों तरफ सिर्फ गनगनाथ बोते का मंत्र सुनाई दे रहा है। दर्शन में खड़े भक्तगणों को दर्शन के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, फिर भी भक्तगणों के चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आ रही है। सभी का मानना है कि शेगांव संस्था जैसी व्यवस्था एवं सादगी किसी भी देवस्थान में नहीं देखने को मिलती। इतनी भीड़ उमड़ने के बाद भी मंदिर की व्यवस्थापन में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इसी बीच एक खबर ऐसी आई है कि प्रगट दिन के पूर्व संध्या को 3 व्यक्तियों के पास से 1 पिस्तौल तथा 4 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, इसकी जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित पातुड़ा निवासी शेख अकबर शेख हारून, जीवन तेजराव गाड़े ऐसे 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है तथा तीसरा आरोपी विधि संघर्ष बालक है।